नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं नोएडा में, और नोएडा के ही नहीं दिल्ली के भी बहुत चर्चित व्यक्ति हैं जिनका नाम है वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने समाज के लिए अपने परिवार अपनी सब चीज़ों को नौछावर कर दिया है और समर्पित हैं। 24 घंटे की ड्यूटी पे रहते हैं हमेशा बहुजन समाज के लिए। आइए हम लोग उनसे बात करते हैं। वीरेंद्र जी, आपका एसएम न्यूज़ में स्वागत है। थैंक यू वीरेंद्र जी। एक बहुजन समाज का नारा है कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, तो ये नारे से क्या कहना चाहते हैं बहुजन समाज के लोग, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, ये क्यों दिया था ये मुझे भी पहले जानकारी नहीं थी, लेकिन जब हमने पूरी विस्तार से इसकी जानकारी ली तो इसके पीछे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संघर्ष आता है। आप लोगों को पता होगा बाबा साहब 1932 में एक दो वोट का अधिकार लेके आए थे जिसका नाम था सेपरेट इलेक्टोरेट, लेकिन गांधी एंड कंपनी ने उस अधिकार को हमसे छीन लिया था, बाबा साहब से छीन लिया था, जिसको पूना पैक्ट के तहत अधिकार ये छीन लिया गया था। उसके बाद बाबा साहब ने फिर संघर्ष किया। बाबा साहब ने ये सोच के कि जो सरकारी ज़मीन पड़ी हुई है और हमारे वंचित समाज के लोग जो मजदूरी करते हैं, जिनके पास रहने के लिए ज़मीन नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, करने के लिए नहीं, उनको अगर ज़मीन दे दी जाएगी सरकारी तो वो फिर किसी की गुलामी करने के लिए मजबूर नहीं होंगे, अपना कमाएंगे अपना खाएंगे। इसलिए 1942 में एक बाबा साहब दूसरा अधिकार लेकर के आए थे अंग्रेज़ों से, उसका नाम था सेपरेट सेटलमेंट। लेकिन इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, उसके बाद 1947 में देश आज़ाद हो गया। जब देश आज़ाद हो गया तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने गांधी और नेहरू से कहा, पहले गांधी से कहा तो गांधी ने मना कर दिया, बोले तो मैं तो कांग्रेस का मेंबर ही नहीं हूँ। फिर जब नेहरू से कहा तो नेहरू और गांधी और सारे कांग्रेस के लोगों ने मना कर दिया कि हम इसको लागू नहीं करेंगे। उस अधिकार में था कि भाई जो सरकारी ज़मीन पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है, ऐसे कोई नहीं करता, उस ज़मीन को जो है इन भूमिहीन लोगों को, गरीब लोगों को, दबे कुचले लोगों को और पट्टे पर दे दी जाए तो वो अपने करें खाएं। तो वो मुकर गए, नहीं किया। लेकिन साहब कांशीराम ने जब बाबा साहब का इतिहास पढ़ा तो इस चीज़ को जाना, इसलिए ये नारा दिया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम सरकारी ज़मीन को जो है पट्टों पर भूमिहीन लोगों को देंगे। और ऐसा उन्होंने सिर्फ नारा ही नहीं दिया था, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी पहले बार, मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ तो मुझे मालूम है कि जिनके पास ज़मीन नहीं थी और सरकारी जो ज़मीन पड़ी हुई थी हज़ारों एकड़, लाखों के एकड़ की तादाद में, उन सारी सरकारी ज़मीनों में 15-15 बीघे, मतलब 3-3 एकड़ के पट्टे जो थे इन दलितों को, भूमिहीनों को और हमारे जो दबे कुचले लोग थे उनको दे दिए, और एक नया पैसा नहीं लिया गया, ये ज़मीन दे दी गई। लेकिन इसके साथ क्या हुआ, जैसे सरकार गई फिर दूसरे लोगों ने कब्जे कर लिए, उन्होंने नाजायज सरकारी ज़मीन डाली हुई थी फिर कब्जे कर लिए, लेकिन जब दूसरी बार सरकार बनी तो उनको खाली करा करके उनको सजा दी गई, उन पर जुर्माना लगाया गया और उनको पुनः वो पट्टे जो है दिए गए। इस तरीके से उस नारे को साकार करने के लिए साहब कांशीराम ने जो दिया था बहुजन समाज पार्टी ने, उसे साकार करके दिखा दिया और दलितों को पट्टे पर ज़मीन दे दी। 15 बीघा बहुत होती है एक परिवार के लिए, जिसमें उनका भरण पोषण हो सकता है, वो किसी की गुलामी करने के लिए मजबूर नहीं होंगे, इसलिए ये नारा दिया था और उसको लागू किया। थैंक यू। आपने वीरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, ऐसा क्यों दिया, वाकई में ज़रूरत, अगर आपकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं तो अगर ये जो ज़मीन लोगों की ज़रूरत तक पहुँच सके ये बहुत बढ़िया बात है। वीरेंद्र जी, आपने इस बात में एक बात और बोली थी, पूना पैट। पूना पैट बेसिकली लोगों को समझ में नहीं आता है, पूना पैट था क्या, क्यों हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा खुलासा करें हमारे दर्शकों को प्लीज़। पूना पैट जो था बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि एक्चुअली इसके पीछे की बैकग्राउंड जानेंगे तो जब को देश को आज़ाद होने की बात चल रही थी, ये 1928 और 32 की बात है, 1928 में संघर्ष हुआ था, तो बाबा साहब ने ये कहा था कि देश आज़ाद होने से पहले जो व्यवस्था है, जो शूद्र लोग हैं, जो व्यवस्था के गुलाम हैं, उनको आज़ादी मिलनी चाहिए, उनको वोट का अधिकार मिलना चाहिए, उनको सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए, उसके बाद देश आज़ाद होना चाहिए। उसके लिए इससे पहले गांधी एंड कंपनी के लोग देश में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे और मनुस्मृति इस देश का संविधान बनाना चाहते थे, और उस समय शायद नेपाल में कोई राजा था उसको इस देश का राजा बनाना चाहते थे।
तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संघर्ष किया कि अगर राजा वाली बात आ जाएगी तो जो गांधी राम राज्य की बात करते थे, राम राज्य के टाइम पे हमारे ऊपर जो अत्याचार होते थे उससे ज़्यादा अत्याचार करने शुरू हो जाएंगे। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संघर्ष करके डेमोक्रेटी, जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो बाबा साहब ने अंग्रेज़ों से एग्री करके ये करवाई थी। लेकिन गांधी एंड कंपनी के लोग बहुत चालाक थे, ये जानते थे कि वोट तो इनके ज़्यादा हैं, लोकतंत्र वोट से चलता है और वोट इनके ज़्यादा हैं। अगर ये बाबा साहब ने सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार मांग लिया था, सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब था दो वोट का अधिकार, दो वोट का मतलब था कि हमारा जो प्रतिनिधि खड़ा होगा, हमारा जो MLA MP काउंसिलर चुना जाएगा, वो केवल हमारे लोग ही उसको वोट देंगे, दूसरा कोई जनरल का उसको वोट नहीं देगा। और जो दूसरा वोट कैंडिडेट खड़ा होगा MLA MP कहीं भी, उसमें भी हमारे एक लोग वोट देंगे। तो ये दो वोट अधिकार था, इसे समझना चाहिए कि हम अपने प्रतिनिधि खुद चुनेंगे, कोई दूसरा वोट नहीं देगा, और जो दूसरा प्रतिनिधि होगा उसमें भी हम एक वोट देंगे, तो उसमें भी हमारे दावेदारी और भागीदारी रहती, और जो हमारा कैंडिडेट हमारे वोट से चुना जाता तो वो बहुत बहादुर, मजबूत और सामाजिक, जिसको समाज चाहता वो ऐसा कैंडिडेट चुन के आता। लेकिन अब जो व्यवस्था, इसके लिए गांधी एंड कंपनी के लोग जानते थे, इनको तो हज़ार साल आगे का दिखाई देता है, इनको मालूम था अगर ये दो वोट का अधिकार मिल गया तो इनके वोट ज़्यादा हैं और MLA सारे जो है विधानसभा और लोकसभा पर इनका कब्जा हो जाएगा और उल्टा हो जाएगा व्यवस्था। तो इसलिए गांधी ने जान की बाजी लगा दी, गांधी ने कह दिया कि मैं मर जाऊँगा लेकिन इनको दो वोट का अधिकार नहीं मिलने दूँगा। उससे पहले दो वोट का अधिकार सिखों को मिला था, गांधी को कोई ऐतराज़ नहीं हुआ। दो वोट का अधिकार मुस्लिम को मिला था, उसे कोई ऐतराज़ नहीं हुआ। दो वोट का अधिकार एंग्लो इंडियंस को मिला था, उसे कोई ऐतराज़ नहीं हुआ। लेकिन जब दलितों को मिला तो गांधी ने, बहुजन समाज की बात आई, तो गांधी ने जान की बाजी लगा दी। क्यों लगा दी, ये एक सोचने का विषय है, क्योंकि सिख समाज इनकी गुलामी नहीं करता, मुस्लिम समाज इनकी गुलामी नहीं करता, एंग्लो इंडियन इनकी गुलामी नहीं करता, अगर गुलामी करता है तो शूद्र समाज करता है। अगर इनको ये राजा बन जाएंगे, MLA MP बन जाएंगे, तो इनकी गुलामी कौन करेगा? इसलिए इसको इनको अधिकार, और अल्टीमेटली बाबा साहब को इतना मजबूर और दुखी कर दिया कि उन्होंने दुखी होकर के 24 सितंबर 1932 को, वो हमारे लिए एक ब्लैक डे है, काला दिन है इतिहास में, बाबा साहब को मजबूरी में एक समझौता करना पड़ा, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। उस पूना पैक्ट में जो हमें दो वोट का अधिकार था, वो गांधी एंड कंपनी ने छीन लिया हमसे, और उसके बदले हमें रिजर्वेशन मिला, जिससे आज इनको तकलीफ़ हो रही है। आज इनको तकलीफ़ हो रही है, वो अपने बाबा दादाओं से पूछें कि वो हमें बदले में मिला था, और उस समय पत्रकारों ने बाबा साहब से पूछा था, जैसे आप पूछ रहे हैं कि बाबा साहब बताइए आपकी क्या प्रतिक्रिया है, तो बाबा साहब ने बड़े दुखी होकर कहा था कि मैं अंग्रेज़ों से बहुत संघर्ष करने के बाद एक रस फल लेकर के आया था, उस फल का रस गांधी एंड कंपनी ने पी लिया है, और उसका छिलका गुठली, जिसको गार्बेज बाबा साहब ने कहा था, बाहर गार्बेज मेरे और मेरे मुंह के समाज पर फेंक दिया है, इस समय बाबा साहब की प्रतिक्रिया थी। तो आप सोच सकते हैं कि इसका क्या मतलब है, ये सारा रस पी गए, हमें जो आज ये इनके कर रहे हैं, आरक्षण से परेशानी है, आरक्षण हमें भीख में नहीं मिला, ये उन्होंने मजबूरी में दिया था, अगर हमें आरक्षण की ज़रूरत नहीं थी, बाबा साहब ने आरक्षण कभी नहीं मांगा था और हमें ज़रूरत नहीं थी। गांधी एंड कंपनी के लोग जानते थे उसका फ़र्क क्या हुआ, उसका आज असर क्या है, पूना पैक्ट का क्या असर है, कि आपने गांधी के तीन बंदरों के बारे में सुना होगा, एक तो है जिसकी आँख बंद, दूसरा कान बंद, और तीसरा मुँह बंद, इसका मतलब क्या है, ये हमारे लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को समझना होगा कि जो हमारे MLA MP काउंसलर जो चुन करके आते हैं, ये वो गांधी के बंदर हैं, किस तरीके से कि उनको जब टिकट दी जाती है दूसरी पार्टियों से, तो शर्त रखी जाती है कि तुम्हारे साथ कोई भी अन्य अत्याचार होता रहे तुम्हें उनके बारे में देखना नहीं है, और अगर नहीं देखा, कोई तुम्हारे घर पर आ गया कि MLA साहब, मंत्री साहब हमारे घर जला दिए, हमारी महिलाओं के बलात्कार कर दिए, तो तुम्हारी दूसरी जिम्मेदारी है, अपने कान बंद रखो, उनकी बात सुननी नहीं है, और अगर आप जागरूक हैं, आपने देख भी लिया TV के माध्यम से, आपने उनकी बात सुन भी ली, तो तीसरा मुंह बंद है बंदर, कि जो पार्लियामेंट या विधानसभा में उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी। तो ये गांधी के तीन बंदर हैं, ये पूना पैक्ट की देन है। अगर पूना पैक्ट नहीं होता तो हमारे 125 मेंबर पार्लियामेंट हमेशा रहते हैं 70 साल से, ये चाहें तो एक दिन में पार्लियामेंट को पलट सकते हैं, लेकिन ये सब
पूना पैक्ट के प्रोडक्ट हैं, गांधी और इन कंपनियों के गुलाम हैं, इनकी वजह से आज ये हालात हो रही है। और एक बंदर और है गांधी का, चौथा बंदर है जिसके बारे में कभी नहीं बताया। वो चौथा बंदर कौन है, चौथा बंदर क्या करता है? गांधी ने कहा कि भाई हमने दलित समाज के, बहुजन समाज के लोगों के हाथ पैर आँख कान नाक सब बंद कर दिए हैं, और चौथा जो बंदर है उसके आँख नाक कान सब खुले हुए हैं, उसको छूट दे दिए कि तू जितना लूट सकता है, मार सकता है, काट सकता है, इन लोगों को कर दे। जो आज आप साकार आपको दिखाई दे रहा है ये सब पूना पैक्ट की देन है। इसलिए हमारे लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए, बताना चाहिए, और 24 सितंबर को जो है काले दिवस के रूप में हमें मनाना चाहिए। आप थे वीरेंद्र सिंह जी जिन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि पूना पैक्ट क्या है, क्या हुआ था गोल मेज पे पूना पैक्ट पे। और अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं देश के बारे में, समाज के बारे में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं, और हम कोशिश करेंगे कि वो इन्फॉर्मेशन, वो जानकारियाँ आप तक पहुँचाई जाएँ। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि सभी लोगों तक देश की, समाज की बातें पहुँच सकें।